करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 29 जुलाई 2023। आइए देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड फ्रॉम हियर मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हफ्ते में जो जो मेजर एक्टिविटीज था वो था आपका FOMC रेट डिसीजंस एंड फॉरवर्ड गाइडेंस, फॉलोड बाय ECB रेट डिसीजंस, उसके बाद आपका इनिशियल US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एंड कल USPC इन्फ्लेशन डेट एंड डॉलर इंडेक्स जो क्लोज दिया है वो है 101.70। डेली चार्ट पे आने से पहले हम ये प्रयास करेंगे कि वीकली एंड मंथली में क्या क्या दिख रहा है। वीकली जो डॉलर इंडेक्स है पहले ये 60 के नीचे लास्ट वीक में जाने का प्रयास किया था, उसके बाद प्रीवियस वीक में ये दोबारा नीचे आ चुका है एंड उसका फॉलो थ्रू करंट वीक में दे रहा है। दैट बीइंग द केस नीचे में थोड़ा सा सपोर्ट मिलने का प्रयास हो चुका है ऑलरेडी एंड मंथली पे जो है एक साइडवेज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज फार एज द RSI इज कंसर्न्ड। डेली में अगर हम देखेंगे डेली में कल का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वो है एक डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल का मतलब एक पॉज है, इट मे बी ए कंटिन्यूएशन और मे बी ए रिवर्स। सो इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी टुवर्ड्स 103.50 के तरफ एंड लो के नीचे थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रूपी में जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 82.21 लेवल। तो आपका जो मंथली चार्ट वही ट्रायंगल के अंदर में ही अटका हुआ है RSI अबव 60, सो बुलिशनेस अभी भी बरकरार है। जैसे ही कुछ नेगेटिव डोमेस्टिक या ग्लोबल न्यूज अगर आता है तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज ये 83-83.50 के ऊपर इन सच ए सिनेरियो जाएगा एंड देन एंड ओनली देन ट्रायंगल का जो अपवर्ड टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ आराम से ये 82-70, 82-80 ऑन द हायर साइड एंड नीचे की तरफ 81-60, 81-80 इसी रेंज के अंदर में 1 से 1.5 रुपए के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली में भी हम देखेंगे कि ये नीचे की तरफ से ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल के नीचे की तरफ से जाके अगेन विद इन द ट्रायंगल में क्लोज दिया है। वीकली RSI जो है एट 52.40 है। दैट बीइंग द केस अगेन 60 जाने जाने के लिए रूम है। सो एज फार एज द RSI इज कंसर्न्ड देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि 80-60, 80-65 के जाने का रूम है। एंड डेली में डेली आप देखोगे कि 24 जुलाई को एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था एंड 25 जुलाई को एक पिन बार बनाया था। अब अगर हमारा 26 जुलाई का जो मॉर्निंग एनालिसिस है वहां पे अगर देखोगे वहां पे हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि एक बुलिश कैंडल दिया जाए समथिंग लाइक क्या दिस जो स्ट्रॉन्ग क्लोज करेगा विद इन द रेंज। कौन सा रेंज? ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसके अंदर में जाके क्लोज करेगा। इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की डॉलर रुपए में हेड टुवर्ड्स 82-60, 82-60। कब का डेट है? 26 जुलाई। 26 जुलाई का ये वाला कैंडल है। तब मॉर्निंग में बिफोर 9 o'clock इस टाइप का कोई कैंडल फॉर्म हुआ नहीं था एंड उस टाइम पे हमने एक एक्सपेक्टेशंस किया था अगर इस टाइप का एक कैंडल फॉर्म होता है इन सच ए केस इट विल कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन एज फार एज द ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन इज कंसर्न्ड एंड रुपए में मूव टुवर्ड्स 82-60, 65। दैट बीइंग द केस हमें देखना है आने वाले दिनों में क्या डॉलर रुपी ऊपर की तरफ मूव करता है 82-60, 65। उसके लिए हमें इंतजार रहेगा। अभी GBP डॉलर में देखते हैं। GBP डॉलर मंथली जो प्राइस है ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शंस देखा है। प्राइस रिजेक्शंस एट द एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस लाइन व्हिच वाज एट 1.32 एरिया, वहीं से रिजेक्शंस करके प्राइस नीचे की तरफ आया है एंड मंडे एक दिन बाकी है इस महीने का, उसके बाद मंथली कैंडल क्लोज कंप्लीट हो जाएगा। बट एज फार एज द RSI इज कॉन्सेप्ट अभी ये 40-60 के बीच में यानी दोनों साइड में जाने का प्रोसेस
प्रोबेबिलिटी से सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस। अभी वीकली में हम अगर देखें कि वीकली जो आरएसआई है वो है आपका अभी 61.02 एबिंग द केस आने वाले दिनों में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी इज आपका ये 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी 60 को ब्रेक डाउन करके नीचे आने का। ये दो प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर ऊपर जाते हैं तो अगेन 1.32 का रेजिस्टेंस होगा, नीचे की तरफ आता है तो सॉफ्टनेस यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। आने वाले हफ्तों में जैसे ही इसके नीचे क्लोज देगा वीकली बेसिस पे एंड उसके बाद उस क्लोज के नीचे फॉलो थ्रू देगा, इन सच ए केस समथिंग लाइक आई विल जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द पिक्चर, एक नेगेटिव कैंडल लाइक दिस बिलो द ट्रेंड लाइन एंड उसके बाद उस नेगेटिव कैंडल के नीचे फॉलो थ्रू आना चाहिए। इन सच ए केस जीबीपी डॉलर में अच्छा खासा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से जो वीकली कैंडल बनाया हुआ है वो है एक डोजी कैंडल। उसके बाद यहाँ पे हमें एक इंतजार है एक छोटा सा ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे चाहे वो फुल बॉडी ग्रीन कैंडल हो या स्मॉल बॉडी ग्रीन कैंडल हो या किसी टाइप का एक ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जैसे ही तोड़ेगा, इन सच ए केस जीबीपी डॉलर में एक अच्छा खासा हम मोमेंटम डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ डोजी डोजी इज एन इंडिसेशन, तो वीकली चार्ट पे इंडिसेशन बरकरार है। डेली डेली जो ये आपका 27 जुलाई का जो कैंडल बनाया हुआ है उसका जो रेंज शिफ्ट किया था, यहाँ पे हमने 27 जुलाई को एक मॉर्निंग में हमने एक एंटिसिपेट किए थे कि क्या ये यहाँ पे आरएसआई रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाएगा। इन सच ए केस इट इज बी इट विल बी कॉल्ड एज ए रेंज शिफ्ट एंड ऑन ए डेली टाइम फ्रेम इन सच ए केस जीबीपी डॉलर नीचे की तरफ आने का प्रयास कर सकता है। सो अभी जो हमारा एक टारगेट है वो है आपका 1.26, 1.0 से 2.5 के बीच में, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन सपोर्ट करना चाहिए। ये अगर आपका 26 जुलाई के बाद 27 जुलाई के फॉलो थ्रू देता तो काफी इजीली नीचे की तरफ आ सकता था, लेकिन फॉलो थ्रू कल दिया नहीं है। फॉलो थ्रू का मतलब इसके लो के नीचे एक रेड कैंडल बना नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ा सा इनडिसिशन बन चुका है। दैट बीइंग द केस प्राइस के हिसाब से अभी फ्राइडे के लो के नीचे अगर आवरली एंड 4 आवरली बेसिस पे क्लोज दे देता है नेगेटिव कैंडल, इन सच ए केस एक नीचे की तरफ 1.26, 1.2625 की तरफ आप प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर मंथली में भी देखोगे क्या हुआ ऊपर की तरफ प्राइस रिसेक्शंस एंड आरएसआई इज अबव 60 करेंटली एट 64.61। सो ऑल्दो आरएसआई मंथली पे पॉजिटिव है मींस सुपर बुलिश है, लेकिन वीकली पे हमें थोड़ा सा देखना है कि क्या ये 60 पे सपोर्ट लेगा या 60 सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाएगा। अगर सपोर्ट लेता है देन अगेन ये जो आपका प्रीवियस वीक का हाई है दैट मींस 80 107.60 उसको चैलेंज करने का प्रयास करेगा, बट यहाँ पे एक परफेक्ट कैंडल बना हुआ है एज फार एज वीकली टर्म्स इज कंसर्न। ये जो एक पॉजिटिव स्मॉल ग्रीन कैंडल, स्मॉल ग्रीन कैंडल का स्पेशलिटी क्या होगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से करंट वीक का यानी जो ये जो वीक गया है उसके लो के नीचे एक हमें सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा मोमेंटम। जीबीपी आईएनआर पे यहाँ पे आपका दो चीज बन रहा है एज फार एज द डेली टाइम फ्रेम इज कंसर्न। इसके लो के नीचे ये जो लाइन है इसके लो के नीचे फॉलो थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानी एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे अबो आपका 26 27 जुलाई का हाई उसके ऊपर थोड़ा सा साइडवाइज चॉपी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर मंथली आरएसआई जो है वो है 40.60। सो यहाँ पे ज्यादा कुछ वन साइडेड डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऊपर भी जाएगा तो रिजेक्ट होगा नीचे भी आएगा तो रिजेक्ट होगा,
दैट इज व्हाट द आरएसआई इज टेलिंग, एंड द कैंडल जो बनाया हुआ है वो ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन आया है, एंड वीकली जो आरएसआई है वो 60 सपोर्ट लिया नहीं है, रदर 60 के नीचे आ चुका है। अभी दो प्रोबेबिलिटीज है, दो प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी आपका है कि दोबारा ये ऊपर की तरफ जाए 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ, और दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी है नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। कौन सा करेगा उसके ऊपर हमारा मींस नजर रहेगा। एज ऑफ नाउ द प्राइस एक्शन इज कंसर्न, ये वीकली बेसिस पे हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए, एक चाहे वो स्मॉल बॉडी ग्रीन कैंडल हो या लार्ज बॉडी ग्रीन कैंडल हो। अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाता है इन सच ए केस उसके लो के नीचे, सपोज इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल आता है अगले हफ्ते, देन उसके लो के नीचे एक मोमेंटम सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें इंतजार रहेगा। और ये जो डेली बेसिस में आपका प्राइस एक्शन है, अभी 27 जुलाई का जो रेंज शिफ्ट है, कल के दिन उसका फॉलो थ्रू दिया नहीं। अगर ये फॉलो थ्रू दे देता, फॉलो थ्रू का मतलब नेगेटिव कैंडल बिलो दिस लो, अगर ये स्टेप एक नेगेटिव कैंडल दे देता इन सच ए केस, पहला टारगेट 1.0850, दूसरा टारगेट 1.07 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कल का ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है थोड़ा सा मींस एक प्राइस को डिस्टॉर्ट कर चुका है एज पर इज द वे वी ट्राई टू सी द मार्केट। तो मार्केट हो चुका है, इसके बारे में तो हम अगर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। दैट बीइंग द केस, अभी ये मंडे ऑनवर्स इसके लो के नीचे, कल के लो के नीचे एक कंटिन्यूशन हम एक्सपेक्ट करेंगे, एंड हाई के ऊपर थोड़ा सा चॉपिनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनएफ आपका मंथली अबव 60 है, आरएसआई इज एज फार एज द आरएसआई इज कंसर्न, लेकिन द प्राइस जो मंथली रेजिस्टेंस जोन के अंदर में है, ऊपर की तरफ प्राइस गॉट रिजेक्टेड। वीकली में भी आरएसआई 59.89 पे, जस्ट बिलो आपका 60। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें देखना है कि आने वाले दिनों में ये 60 में सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाता है या 60 को ब्रेक करके नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है। बट एज फार एज द प्राइस एक्शन इज कंसर्न, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है जिस जहाँ पे जाके ये क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस, अगले हफ्ते का एक ग्रीन कैंडल अगर बन जाता है, छोटा सा ग्रीन कैंडल, एंड उसके बाद उसके लो के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है नेक्स्ट वीक में, इन सच केस प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा खासा सेल ऑफ एज फार एज द वीकली टाइम फ्रेम इज कंसर्न। डेली में ये देखिए 27 जुलाई का जो नेगेटिव कैंडल बना है उसके लो के नीचे कंटिन्यू करना था, प्राइस आया था लेकिन सस्टेन किया नहीं, रेदर ऊपर की तरफ चला गया है। ऊपर की तरफ चला जाने के बाद प्राइस को एक चौपिनेस में ला चुका है। चौपिनेस का मतलब क्या है, अभी दोनों तरफ ये मूव करने का प्रयास करेगा, स्पेशली ऊपर की तरफ जाएगा तो काफी रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। अभी क्लैरिटी कब मिलेगा, ये इसके लो के नीचे यानी कल के प्राइस के लो के नीचे एक क्लियर डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 89.20 एंड 88.30। तो लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन सपोर्ट करना चाहिए। अभी आते हैं डॉलर येन पे, डॉलर येन पे जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 141.14। अभी जो मंथली कैंडल, ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव कैंडल, लेकिन दो चीज देखने वाला है, एक तो है प्राइस रिजेक्शंस एट अ लोअर एंड, प्राइस जो रिजेक्ट किया लोअर एंड पे, दैट मींस नेगेटिविटी को काफी हद तक न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। ऑल्सो आरएसआई अबव 60 यानी अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बाकी है, ये अगर तोड़ के 60 के नीचे क्लोज दे देता आरएसआई तो नेगेटिविटी काफी ज्यादा आ जाता। वीकली पे RSI जो है वो है अभी 56.55, एंड जो कैंडल बनाया हुआ है ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव कैंडल रेड इन कलर, लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, दैट बीइंग द केस कलर रेड हो सकता है बट इट इज अ पॉजिटिव कैंडल, इट्स अ पॉजिटिव कैंडल। दैट बीइंग द केस इसके हाई के ऊपर यानी इस लास्ट वीक का हाई के ऊपर अपवर्ड एक दोबारा जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट करने का प्रयास कर सकता है। एंड डॉलर येन एज फार एज द डेली इज कंसर्न, कल मैंने एक क्वेश्चन रेस किया था, कल का जो मॉर्निंग प्री मार्केट एनालिसिस था वहां पे हमने एक क्वेश्चन रेस किया था कि यार डॉलर येन यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट अगर लेता है तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट करेगा, इन सच केस ये ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए पहला जो हर्डल होगा ये वाला लेवल, दैट इज आपका
141.80, एंड 141.80 के ऊपर अगेन ये थोड़ा वो अपर टेरिटरी में 144-145 के तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 144-145 का बात नहीं करेंगे बिकॉज द प्राइस इज नाउ एट 141.15। दैट बीइंग द केस इसको ये आपका 141.80-142 को कितना कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करते हैं ऊपर की तरफ या रेजिस्टेंस लेता है ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं येन आईएनआर में। येन आईएनआर आपका जो मंथली है ये बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है एज फार एज मंथली कंसर्न रेंज प्रिंसिप लेके। लेकिन ये अगर आपका ऊपर की तरफ अगर प्राइस रिजेक्शन नहीं होता तो एक क्लीन अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते। अभी ये क्लीन मोमेंटम नहीं है, अभी और एक दो महीना इंतजार करना पड़ेगा इस वर्ष मंथली। वीकली पे भी रेंज शिफ्ट आप देखो, पहले बिलो 640 था, फिर ऊपर गया आपका 47-48 तक, फिर दोबारा एरा नियर टू 40 आके सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। अभी ये बहुत ही बढ़िया एक अपमूव हो सकता था अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता, लेकिन प्राइस इज प्राइस, वी नीड टू रेस्पेक्ट द प्राइस, वी नीड टू रेस्पेक्ट द मार्केट। तो अभी हमें इंतजार रहेगा इस लेवल के हाई के ऊपर क्लोज देने के लिए एज फार एज द येन आईएनआर इज कंसर्न फॉर एन अपवर्ड मोमेंटम। तब तक हम डेली टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में फिर सिर्फ उसका ठीक उल्टा किया है, वीकली पे हम बाई के लिए इसके हाई के ऊपर बाइंग के लिए देख रहे हैं। तो डेली में यहाँ पे रेंज शिफ्ट दे चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक वॉलिटिलिटी क्रिएट हो रहा है इन बिटवीन 57-50, 58 ऑन द लोअर साइड, 57-50-58 ऑन द लोअर साइड एंड 59-59-50 ऑन द हायर साइड। इसके बीच में थोड़ा सा चॉपिनेस हमको दिख सकता है जब तक एक क्लैरिटी नहीं मिलता है हमें। अभी क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल पे अच्छा खासा तेजी दिख रहा है एज एक्सपेक्टेड, जो 88-89 की तरफ जाने का हमारा एक्सपेक्टेशंस था, अभी 85.75 है। मंथली जो है ये नियर 40 सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और दैट बीइंग द केस अभी हमारा जो मेजर हर्डल्स हो सकता है वो 89-90 की तरफ हो सकता है। एंड वीकली में भी इतने RSI जो है अप्रोचिंग 60, करेंटली 55.70, जैसे 60 में जाएगा उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे 60 RSI के तरफ रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है। सो दैट मीन द केस ये 88-89 एक प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस जोन बनने का प्रयास कर सकता है, लेकिन प्राइस कैसे बिहेव करेगा उसको हमें देखना है। डेली आरएसए अबव 60, सो यहाँ पे बाय दिस में वी मे टारगेट फॉर 88-89 के लिए। US 10-year treasury जो weekly close दिया है आपका 3.95। इसका जो अगर monthly chart देखने का प्रयास करेंगे एक range के अंदर में अटका हुआ है RSI monthly above 60, currently at 64.88। so negativity अभी तक कुछ नामोनिशन है नहीं। weekly जो है weekly price रेजिस्टेंस के तरफ जाने के बाद रिजेक्ट हुआ है। दैट बीइंग द केस ये जो एरिया है ऊपर की तरफ आपका 4.08 से 4.10 वहां पे एक रेजिस्टेंस मिलने का प्रयास कर सकता है। RSI also approaching 60, so यहां पे एक रेजिस्टेंस एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली पे रेंज शिफ्ट। RSI 60 पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मे बी टुवर्ड्स 3.84 एंड 3.75 के तरफ हम एक देख सकते हैं। अभी US 2-year ट्रेजरी जो है वो मंथली पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या हो चुका है, ये एक इंडिसिशन कैंडल अबव द हाई कंटिन्यूएशन बिलो द लो लिटिल बिट ऑफ पुल बैक। RSI monthly जो है above 60, currently at 73.22, that being the case, यहाँ पे strength अभी भी है। और आपका जो weekly RSI है वो है आपका 62.62 पे है, यहाँ पर भी strength बरकरार है, लेकिन अभी एक रेंज बन चुका है on the higher side 5.0809 and on the lower side 4.60। इस रेंज में weekly basis पे प्राइस मूव कर रहा है। अभी एक देखने वाला चीज ये है कि ये आपका 17 जुलाई का जो वीकली कैंडल है उसके लो के नीचे
यानी इसके लो के नीचे प्राइस जैसे ही डेली बेसिस पे क्लोज देगा, एक नीचे की तरफ सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते। अभी भी काफी दिल्ली दूर है क्योंकि ये काफी नीचे है, 4.68, 4.68, 6750 वी प्रेसाइज, 4.66, 4.66 के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन यूएस 2 ईयर ट्रेजरी पे। जब तक इसके नीचे नहीं आता है तो बोथ साइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डेली पे एक रेंज शिफ्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे जैसे क्लोज देगा, वी में एक्सपेक्ट आवर जो टारगेट है 4.66, उसके नीचे जैसे ही फिर दोबारा डेली बेसिस पे क्लोज देगा, फर्दर फॉल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते। तो एज ऑफ नाउ जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है, तब तक दोनों तरफ चॉपिनेस रहेगा। एक बार इसके नीचे क्लोज दे देता है एंड उसके बाद उस लो के नीचे कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू देता है, इन सच केस 4.66 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 4.66 के नीचे जैसे ही डेली पे क्लोज दे देगा और फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट लेवल्स जहां पे ये 2 ईयर ट्रेजरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड।